नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूएसपी में। मैं वासुदेव गोदारा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल पैटर्न होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। देखिए, जैसे आपके पास आ जाए ये वाला कुछ ऐसा सा पैटर्न कि 61 × 59 क्या रिजल्ट होगा। ऐसे ही कह दिया जाए कि 62 × 58 एक स्पेसिफिक पैटर्न है, सब समझ में आ जाएगा। तो इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन है, जहां भी ये ट्रिक आप देखते हो इसका मतलब ट्रिक नहीं है, वो सब कुछ अलजेब्रा है। अब इस बात को माइंड में अगर आप रख सकते हो तो काम बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल है 61 × 59। तो देखो, 61 क्या है, 60+1, और 59 क्या है, 60-1। इसको लिखोगे तो क्या जाएगा, 60² - 1² ये वाला आपका पैटर्न अप्लाई होता है यहां पर कि a + b × a - b 60² - 1² तो ये देखो कितना हो गया, 60² करना आसान है, 3600 - 1 ये कितना आ गया। देखो इस बात को आप ऐसे रीड करोगे, 3500 + 100 - 1 कितना, 3599। ये बात आई समझ में। तो जब भी आप ये देखोगे तो ये पता चला आपको 60+1 का स्क्वायर 60-1 का स्क्वायर तो 3600 हुआ। 3600 में से आपको लेस क्या करना है, 1, तो ये 3599 हो गया। अब ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, 60+2 60-2 तो यहां से क्या हुआ, 3600 में से 4 लेस कर दिया तो ये कितना हो गया आपका, 3596। भाई बात समझ में, बड़ा ही आसान पैटर्न है। देखो 63 × 57 60+3 60-3 60² 3600 - 3 × 3 9 कितना आ गया, 3600 में से 9 किया 3591 3591। ऐसे ही देखो 64 × 56 ये किया तो 60+4 60-4 3600 - 16 3600 - 16 किया तो कितना आ गया, 3584 3584। ऐसे ही देखो एक एग्जांपल और, 65 × 55 ये हो गया। तो ये क्या है, 60+5 ये 60-5 3600 उसमें से लेस कर दिया 25 तो ये 3575। ऐसे ही देखो 68 × 52 60+8 60-8 60+8 60-8 60² 3600 3600 और 8² 64 तो 64 लेस कर दिया आपने तो कितना आ गया, ये 3536। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बड़ा ही आसान सा पैटर्न होता है, एक तो ये फॉर्मेट है। चलो एक आधी बात और देखते हैं इससे जुड़ी हुई। जैसे आपको दे दिया 92 × 88 तो ये क्या है, 90+2 90-2 90² 8100 8100 उसमें से लेस क्या करना है, 4 8100 में से लेस करोगे 4 तो 8096। ऐसे ही देखो 122 × 118 ये बात क्या है, 120+2 120-2 120² किया मतलब 12² 144 20 तो ये क्या आ गया, 1440। देखो 12² किया तो 144 ये आ गया 14400। लेस क्या करना था यहां से, देखो माइनस का 4 तो ये कितना आ गया, 14300 4 लेस कर दिया तो ये 96। ऐसे ही देखो 183 × 177 180+3 180-3 मतलब 18² 324 और 2 0 लेस क्या करना है, माइनस का 9 400 में से 9 लेस कर दिया तो कितना आ गया, 391। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट, कितना भी बड़ा मतलब आपको मेन मुद्दा है स्क्वायर आना चाहिए। जैसे यहां पर आ जाता आपका 323 × 317 तो ये क्या आ गया, 320+3 320-3 मतलब 320² तो 32² होता है 1024 आगे लग गए 20 माइनस देखो कितना हो जाएगा, 3² 9 लेस किया 91 तो यहां से और 1024 में से एक लेस हो जाएगा तो ये 1023।
तो बड़ी आसानी के साथ, मतलब आपको थोड़ा सा स्क्वायर है तो बड़ी टर्म्स के साथ भी आप डील कर सकते हो। इसी में देखिए दूसरा फॉर्मेट और होता है, दो फॉर्मेट में ये चलता है जनरली। कहीं अगर देखो कैलकुलेशन सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर सवाल में अप्लाई होता है, लेकिन जब आ जाए और आपको इसका पैटर्न पता है तो इस देखिए अब जो नेक्स्ट पैटर्न हमारा वो कुछ ऐसा होता है मल्टीप्लाई का, जैसे 66 × 64, 65 × 65, 67 × 63। तो ये पैटर्न पहले तो मैं बता दूं अलजेब्रा के साथ कहां रिलेट हो रहा है, तो ये देखिए 65 + 1 और 65 - 1, ये तो चलो 65 का है ही, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। ऐसे देखो ये वाला पैटर्न है 65 + 2 × 65 - 2 का पैटर्न, इसके साथ डील करनी है। तो एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, ये 65 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये है 65 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको इसका आना चाहिए स्क्वायर। अब ये सबसे आसान होता है, देखो कैसे आसान होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पर 15 का स्क्वायर किया कितना आया 225, 25 का स्क्वायर किया 625, 35 का स्क्वायर किया तो ये 1225 आ गया। अब इस बात को समझे कि इसमें हो क्या रहा था, बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, देखिए 5 सबके लास्ट में है तो सबके लास्ट में क्या आ गया 25। सिंपल सी रीजनिंग है, 1 2 बना 2 6 बना 3 12 बना, हुआ क्या ये जो नंबर है इससे जस्ट बड़ा नंबर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × इससे बड़ा 3 6 आ गया, 3 × इससे बड़ा 4 12 आ गया। ऐसे कोई भी आपको कहे जैसे 75 का स्क्वायर आपको नहीं पता, बहुत आसान है, देखो 25 लिखा, 8 से जस्ट बड़ा नंबर 56। सिंपल सा पैटर्न है, इसको भी अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये भी कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट यहाँ रीजनिंग फॉलो हो रही थी इसलिए इसको डायरेक्टली फॉलो करवा लिया। जैसे आपको कहा कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 9 को किससे करोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 90। तो ये बात समझ में आ गई, 65 मतलब 8 6 से बड़ा नंबर, 7 × 6 = 42 और ये 25 आना था, ये हो गया। अब ये वाली बात आपको फॉलो करनी है। अब यहां से देखो 66 × 64, आपको पता चला 65 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर आपने ये लिखा, 25 में से आप क्या लेस कर दोगे 1, तो क्या हो जाएगा 24 और ये यहां पर 42। यहां देखो 65 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपको पता है 6 × 7, तो क्या आएगा 42 25, लेस क्या करना है 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 लेस किया 21, ये हो गया 42। बड़ा ही आसान है, देखिए आपके पास जैसे नंबर हुआ 69 × 61, क्या रीड करोगे 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर ये माइंड में रीड करना लिखना नहीं है, माइनस 4 का स्क्वायर, यही बात आती है। अब 65 का स्क्वायर आपको पता है कि लास्ट में क्या आना है 25, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 लेस कर दोगे कितना आएगा 9 0 9, और 6 × क्या होता है 7 42। ये बात अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो बड़ी आसान है। देखिए जैसे 68 × 63, क्या समझ में आया कि 65 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो जब भी कभी 65 का करते हो लास्ट में 25 तो आना ही है आपको, 5 है तो ये पैटर्न हमने देखा था, तो आप सीधे सीधे 9 लेस कर दो कितना आ गया 16। अब देखो 65 का स्क्वायर करना है तो 6 को किससे गुणा करोगे 7 से, ये लो 42 16 हो गया। ऐसे देखो आपके पास एक नंबर आ गया 87 × 83, तो यहां से देखो क्या है 85 + 2 85 - 2, तो 85 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 लेस करना है तो 21 25 बनता लास्ट में। अब यहां से देखो वही बात कि हम सारा कुछ नहीं निकालते कि अलग अलग लिखे हैं, फिर सीखा क्या हमने 85 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 8 × 9 = 72 25, उसमें से वो बात सीधे लेस कर दी आपने तो आसान था। कोई भी एग्जांपल ले लो, इस पैटर्न को फॉलो करें और इससे जो पहला पैटर्न है उसको फॉलो करें, बड़ी ही आसानी के साथ आप सारे सवाल कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक नंबर है 96 × 94, आपको पता है 95 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, जब भी कभी किसी नंबर के लास्ट में 5 होता है तो 25 आता है, 25 में से 1 लेस कर दिया कितना हो गया 24,
95 का स्क्वायर करना था, उसमें से वन लेस करना था, लेस वाला काम कर दिया। अब क्या करना होता हमें, 95 का करते हैं 9 गुणा 10 90, ये लो जी हो गया। ऐसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 123 गुणा 127, देखो क्या है, 125 माइनस 2 125 प्लस 2, मतलब 125 का स्क्वायर करेंगे उसमें से क्या लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 25 तो आएंगे, 25 में से 4 लेस कर दिया कितना आ गया 21, 12, 125 का स्क्वायर कर रहे हैं याद करो, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, अब देखो 13 से गुणा होगा, 13 को 10 से किया 130, 2 से किया 26, 130 में 26 लेस किया कितना ऐड किया 156। कोई भी एग्जांपल हो कितना भी बड़ा हो, बस अत्य आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो 5 वाले नंबर हैं इनका स्क्वायर कैसे होता है। कोई ट्रिक नहीं होती है, किसी भी चीज को गलत तरीके से रटना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। पूरी मैथ्स के अंदर मैं एक मैथ्स की फैकल्टी हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी ट्रिक जैसा कुछ मैंने आज तक नहीं देखा है। कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको हम लोग सीधे याद कर लेते हैं, बाकी अगर आप जानना चाहो तो हर बात के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा रहता है, फैक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, आप आगे जाके देखेंगे तो आपको हर बात मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।